खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। वक्त है हमारे साप्ताहिक शो गरम बहस का, और आज गरम बहस उस सवाल पर जिसके फैसले की घड़ी लगभग आ चुकी है। तीन तलाक पर ऐसा फैसला आने वाला है जिसका देश को मुद्दत से इंतजार है और मुद्दतों तक इसका असर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाने के मिशन पर हैं। संसद के सामने बिल आ चुका है, लेकिन समाज ठेकेदारों के हाथों आज तक बंधक है। पहले तीन तलाक का जहर, फिर हलाला का जहर, बरसों से मुस्लिम महिलाएं दोनों जहर पीकर जी रही हैं। एबीपी न्यूज पर आगे जो खुलासा आप देखेंगे उससे आप समझ जाएंगे कैसे धर्म की आड़ लेकर कुछ मौलवी मुस्लिम महिलाओं को जहन्नुम की जिंदगी देने की दुकान चला रहे हैं। पहले आप पूरी पड़ताल देखिए, फिर बात करेंगे कि कैसे मोदी भाईजान हालात बदलने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। ऑपरेशन हलाला यानी महिलाओं के सम्मान से खेलने वाले मुफ्ती और मौलवियों का खुलासा। ऑपरेशन हलाला यानी जबरन संबंध बनाने के लिए महिला को मजबूर करने वालों का पर्दाफाश। अलग अलग चेहरे, अलग अलग ठिकाने, लेकिन कहानी बिल्कुल एक जैसी। एबीपी न्यूज ऑपरेशन हलाला के जरिए आपके सामने लाने जा रहा है वो सच जिस पर पर्दा डाले रखने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन उस पर्दे की आड़ में महिलाओं पर एक ऐसा रिवाज थोपा जा रहा है जिसे कोई भी सभ्य समाज गवारा नहीं करता। लेकिन पहले आपको बता दें कि आखिर हलाला है क्या। अगर कोई पति अपनी पत्नी को तीन तलाक दे देता है तो चाहकर भी पति पत्नी दोबारा साथ नहीं रह सकते। दोबारा शादीशुदा जिंदगी बसर करने के लिए महिला को हलाला से गुजरना होता है। इसके लिए तीन महीने तक इद्दत गुजारने के बाद महिला को किसी और पुरुष से निकाह करना होगा। इसके बाद दूसरा शौहर महिला को तलाक देगा और फिर महिला को तीन महीने और इंतजार करना होगा। इसके बाद महिला अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। शरीयत में इस पूरी प्रक्रिया को हलाला कहा जाता है। 21वीं सदी में भी कुछ मुफ्ती मौलाना महिलाओं को शरीयत का डर दिखाकर उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही मुफ्तियों और मौलवियों को बेनकाब करने के लिए एबीपी न्यूज ने छिपे कैमरे के साथ जाने माने मुफ्ती मौलवियों से मुलाकात की। रिपोर्टर ने उन्हें बताया कि तलाक देने के बाद अब वो अपनी पत्नी के साथ वापस रहना चाहता है। हमारी मुलाकात हुई फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मोहम्मद मुकर्रम अहमद से। शाही इमाम से हमने इस मसले पर सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया। एक सवाल था, आप ही बताएंगे। हमने अपनी वाइफ को तलाक बोल दिया तीन बार, नहीं तो आप हमें वापस लेके आना। आप वापस नहीं है, तीन दफा के बाद वापस नहीं है। कोई तरीका उन्होंने कहा आपसे? तरीका वही है, इद्दत होगी फिर किसी और से निकाह होगा, फिर अगर तलाक हो जाएगी फिर इद्दत होगी। हलाला जिसको बोलते हैं हमारी अगली मुलाकात हुई जामिया मस्जिद के इमाम याकूब से। इमाम साहब ने भी यही कहा कि बीवी को तलाक देने के बाद उसे साथ नहीं रखा जा सकता और उसके साथ दोबारा शादी करने के लिए वही प्रक्रिया है जिसे हलाला कहा जाता है। वापस का जो प्रोसीजर है इस्लामी
से शादी हो या किसी शर्त की वो अपनी मर्जी से छोड़ने से ऑपरेशन हलाला में हमें तलाश थी ऐसे मुफ्तियों की जो पैसा लेकर इस्लाम को नजरअंदाज करके औरतों को दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने का सौदा कर रहे थे। तहकीकात जारी थी। इसी तहकीकात में हमारी मुलाकात हुई जामा मस्जिद के पास बनी एक और मस्जिद के मुफ्ती कलीमुद्दीन से, जो हलाला के लिए रेंटेड हस्बैंड से हलाला कराने के लिए तैयार हो गए। वो उसके जहन के ऊपर है, मतलब ये कि महर पे आऊंगा तो महर जाएगा शौहर को देना पड़ता है, तो ये महर तो जो निकाह करेगा उसको देना पड़ेगा, मतलब शौहर पर लाजमी होता है अदा करना, तो महर कम हो जाएगा, महर कम तय करके अपना, तो जो भी मतलब कम से कम महर शरीयत के अंदर वो 10 दिरहम कहलाता है, मतलब 4,000 रुपये कम से कम है, तो इतना तो उसका महर बनेगा, ठीक इतना तो महर बनेगा दो शौहर अदा करेगा, वो तो देना ही पड़ेगा, हमी को देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, मतलब आपको बतौर हदिया के इनको देना पड़ेगा, और ये अपने बीवी को अदा करते हैं, जो आपकी बीवी नहीं है उनकी बीवी हो, ये अपनी बीवी को देते हैं कि भाई आपका महर, उसके बाद खुला पर ये कि वो अगर हम ही लोग उनको अगर देखते हैं आगे बात करके, अगर कोई मुनासिब आदमी नहीं आ रहे तो हम लोग उनसे तय करके फिर मैं आपको बता दूंगा। मुफ्ती कलीमुद्दीन ने हलाला के लिए रेंटेड हस्बैंड के नाम पर कई शर्तें हमारे सामने रखी। मुफ्ती ने हमसे कहा कि जिसका हलाला होना है उस औरत को दूसरे आदमी के साथ एक हफ्ते तक रात गुजारनी होगी, और उसके बाद इस्लामिक रिवाज खुला के जरिए हमें 20,000 रुपए देने होंगे। एक जामा मस्जिद पे कारी साहब ने बात करी थी, तो फिर आप सामने होंगे तो उनका बात कर लेंगे उनसे जी, लेकिन थोड़ा सा मसला ये है, हर आदमी से तो कह नहीं सकते, बड़ा उम्र दराज है, मतलब उनके बाल बच्चे भी यहीं पर हैं, लेकिन वो बाकी तकन उनके जो खर्चा और चपल वो तो नहीं करेगा, खर्चा जो आपको मिल जाएगा और एक हफ्ता मेरे साथ रहेगी, मैं कैसे छोड़ दूँगा, यार ये कोई से बात कर रही है, हफ्ता कोई बहुत होता है, एक हफ्ता पैसे कितने आएंगे, ऐसा मतलब जो खर्चा वगैरह जो भी, फिर वो वही शक्ल उन्होंने बताए तो खुला वाली लड़की नहीं रहना चाहेगी तो आपको तलाक देना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है वो करने क्या होगा, मैंने वही होता है जो कुछ आप लड़की ऑफर करेगी आपको कबूल कर लीजिएगा, और कितने तक में होगा मैं जितने में भी आप कर लीजिएगा बात, ये थोड़ी कि आप बहुत मुतालबा करेंगे ये थोड़ी मिल पाएगा, हलाला से पीड़ित महिलाओं की फरियाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। 2017 में बिजनौर की फरजाना को पंचायत के तुगलकी फरमान के बाद अपने देवर से संबंध बनाना पड़ा, इसके बाद ही फरजाना का निकाह उसके पहले पति के साथ हो सका। बरेली की सबीना के साथ उसके ससुर ने हलाला के नाम पर बलात्कार किया। बिजनौर और बरेली की इन घटनाओं के सामने आने के बाद हमारी अंडरकवर टीम ने उधर का ही रुख किया। बिजनौर में हमारी मुलाकात हुई हाजी नफीश से। नफीश ने बताया कि हलाला हो जाएगा लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। हाजी नफीश की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उनके लिए महिला खाने का कोई सामान हो। सुनिए महिलाओं के लिए उन्होंने कैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया। तलाक तो हो गया, मुकम्मल हो गया, मैंने मतलब मुकर्रम साहब हैं जो उनसे दरियाफ्त कर लिया, अब वो कह रहे हैं कि अब वो तैयार है वापस आने के लिए, तो क्या तरीका है कैसे लाया जाए जो शरीयत के हिसाब से जायज, वो हलाले के लिए कह रहा हूँ। हाँ, हलाले में तो कोई है दूसरे से निकाह हुआ और वो करेगा, खरीदत करेगी
3 महीने। अच्छा वो जी 3 है जरूरी है, उसके बाद जो है वो आपको निकाल आएंगे। मतलब वो रेशन बनाना भी इसमें क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बड़ा गुनाहगार होगा अगर नहीं बनाएगा तो आदमी। अच्छा तो बिल्कुल जरूरी। और लड़की तैयार ना हो? निकाह निकाह होगा तो क्या करना, लड़की निकाल लड़की तैयार कैसे होगी? यही तो बात है, इसमें जब तक वो उसका जायका ना चख ले वो उसका जायका ना चख ले। बिल्कुल कुरान के अंदर वो है इसका तो तस्कर, जब तक जो है लड़े। एक बात साफ है, हाजी नफीश की बातों से आपको यह अंदाजा तो लग गया होगा कि अपने काम में माहिर है, उनके पास हलाला से जुड़े हर मर्ज की दवा है। लेकिन हमें यह जानना था कि हलाला के लिए क्या वो भाड़े के पति का इंतजाम कर सकते हैं और भाड़े के पति की शर्तें क्या होंगी। सबसे पहली शर्त के बारे में सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। शर्त यह कि शादी भले ही चंद घंटों के लिए हो लेकिन दोनों में शारीरिक संबंध बनना अनिवार्य है। सुना आपने, हलाला के नाम पर हाजी साहब जायका चखने की बात करने लगे। हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि क्या उसके पास हलाला के लिए किसी लड़के का इंतजाम हो सकता है। कोई है आपकी नजर में कोई लड़का तैयार हो जाए? बहुत है, सब कुछ है, तो जरूरी लड़कों को देखना? ये तो जरूरी नहीं है, लड़कों को देखो तो लड़के से खतरे खतरा लग गया, कोई उससे बात सेटिंग होगी तो और खराबी या नहीं? कोई बाल बच्चों वाला ही? बाल बच्चों वाला हो, उम्र दराज हो, उम्र दराज आदमी अपने गले में घंटी नहीं बांध लेगा। नफीश ने हमें बताया कि उसके पास कई लड़के हैं जो हलाला के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि दोनों शारीरिक संबंध भी बनाएंगे। जो आदमी चिंता करेगा और उसने उसके साथ वो काम नहीं किया वो बहुत सकूनगार होगा, तो सारा होगा तो शुरू करेगा। तो मुकम्मल करने के लिए वो जरूरी है? वो तो जरूरी है, चाहे वो एक बार हो वो अलग बात हो, जैसे भी हो। और ये कितने दिनों तक रहना चाहिए इसको? जो कुछ है वो शाम को करे, रात को रुके, सुबह ही वो कर दे, कोई जरूरी नहीं। वो जो साफ इतने दिन रखे तुमने कोई मतलब नहीं, कोई एक घंटे में कर दे, एक दिन में कर दे, ना करे दोस्तों पर है ना। हलाला की दुकानें दिल्ली में भी सजी हुई हैं। शरीयत के नाम पर आज भी मुस्लिम महिलाओं से शारीरिक खिलवाड़, जिसे कानून की भाषा में बलात्कार कहा जाता है, जारी है। हमारी तफ्तीश में कई ऐसे मौलाना मिले जो औरतों को बरगला कर उन्हें हलाला करने के लिए तैयार करते हैं। दिल्ली के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास बाकायदा दुकान खोलकर हलाला कराने वाले मौलाना अमन शाह ने क्या कहा, जरा सुनिए। अगर बिना हलाले के करेंगे तो जाए ना जाए दो बार, वो आप करवा दी हम करवा दी, हम करवा देंगे। हमारे पास ऐसे आदमी होते हैं, उनसे निकाह करवा के अर्जी थी करवा देंगे। वो कहीं कोई जिक्र नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई जिक्र नहीं होगा। आप जो जाएंगे वो आएंगे, दोनों मिलेंगे, मिलके उनका निकाह होगा। निकाह होने के बाद रात को रूम में रहेंगे, एक दफा सेक्स करने के बाद बाहर निकल जाएंगे, तुम्हारे सामने तलाक देंगे। जो प्रोजेक्ट होगा, जो खर्चा होगा, मैं कायदे बेकायदे आपका होगा, ना कि किसी होगा। उनकी इतनी वो होगी क्या वो आपके कहने पे ये चीज करेंगे? हमने पूछा कि अगर लड़की दूसरे मर्द के साथ हलाला करने से इनकार कर दे तो ऐसी सूरत में क्या किया जाना चाहिए। मौलाना अमन शाह का जवाब कानून को ठेंगा दिखाने के लिए काफी था। जो आपका हलाला होता है बिना सेक्स के काम पूरा नहीं हो पाता है, वो चाहे आप कहीं भी जाकर पता कर लीजिए। क्योंकि जब तक हस्बैंड वाइफ एक दफे रिलेशन नहीं बनाएंगे जब तक वो मुकम्मल काम नहीं होता। आप सोच रहे हैं कि सोने से हलाला नहीं होता है, ये बराबर में सो के निकाह होकर उससे हलाला पूरा नहीं होगा। मुकम्मल मुकम्मल जब ही होगा जब हस्बैंड वाइफ एक रिलेशन बनाएंगे। अब वो मना कर देती लड़की अगर, तो मना क्यों करेगी जब निकाह में आएगी? मना तो वो तो मैं कराऊंगा ना, जब वो निकाह करने के लिए
हलाला करने के लिए ही सारी चीजें तैयार होगी, सारी सारी चीज तो मैं कराऊंगा ना आपको, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो कराऊंगा मैं कराऊंगा। मतलब लड़का भी मैं, आदमी भी सारे प्रोवाइड करूंगा, निकाह वाला भी करूंगा, हलाले वाला भी करूंगा, सारी चीज मैं करूंगा तैयार। लेकिन प्रोजेक्ट यही होगा, मैंने आपको जब भी समझाया था, खर्चा आपका होगा। तो साफ है कि शारीरिक संबंध बनाना हलाला की वो अनिवार्य शर्त है जिससे हर महिला बचना चाहती है। इस शर्त को पूरा करने की वजह से वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर जहर पीती रहती है। भाड़े के पति और हलाला की हर शर्त पूरी करने के लिए एक पूरा सिस्टम है जिसमें कई लोग मोटी कमाई भी करते हैं। इस मौलाना से हमारी टीम ने सवाल किया कि अगर हलाला करने वाला शख्स तलाक देने से मना कर दे, ऐसे में क्या किया जाएगा। मौलाना ने हमें बताया कि रेंटेड हस्बैंड एक स्टैंप पेपर पर तलाक देने की बकायदा गारंटी देगा। निकाह के बाद मतलब जो हलाला सिस्टम वो कैसे पूरा होगा? वो जब निकाह होगा, वो निकाह होने के बाद वो जो है हलाला होगा, हलाला होना का जो कारण होगा, वो जो आदमी होगा जिससे निकाह होगा, उससे बाकायदे उस पर स्टैंप पे लिखवाया जाएगा कि आप इसके साथ हलाला करने के बाद अगले दिन सुबह इसको तलाक देनी पड़ेगी जी। ठीक है, ये सारी चीजें लिखवा ली जाएंगी स्टैंप पे। हलाला के घिनौने खेल में हमारी अंडरकवर टीम की अगली मुलाकात हुई रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास अकबर पासा से। मेट्रो के गेट नंबर 2 के पास अकबर पासा झाड़ फूंक का काम करता है और झाड़ फूंक के साथ ही हलाला के काम में भी मोटा पैसा कमाता है। जब हमारी खुफिया टीम को इस बात की जानकारी मिली तो अगले ही दिन हमारी टीम ने रमेश नगर का रुख किया जहाँ हमारी मुलाकात हुई अकबर पासा से। अकबर पासा ने थोड़ी ही देर में हमें बताया कि उसके पास हलाला के लिए कई लड़के मौजूद हैं, जो एक रकम मिलने के बाद हलाला करने के लिए निकाह करेंगे। निकाह होगा पहले जी, आप तो तलाक हुई है, तलाक तो हुआ है, निकाह होगा, निकाह होने के बाद उसके बाद आप उससे तलाक हो जाएगा, फिर निकाह उसी रात में वो किसी के साथ उसके बाद ना वो आपको मिलेगा, ना आपको वो जानेगा, ना टेंशन मतलब तलाक दे देगा। कभी ऐसा वो मुकर जाए ऐसा नहीं है, बीवी हमारे पास सवाल ये है कि शरीयत के नाम पर ये गुनाह कब तक होता रहेगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी शाही मस्जिद फतेहपुरी के मुफ्ती अरशद अच्छी तरह जानते हैं कि फिक्स हलाला इस्लाम में कतई जायज नहीं, उसके बाद भी हलाला के लिए एक लड़का अरेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप राजी कर दीजिए और राजी करके फिर आप देखिएगा। लेकिन वो किसी जान पहचान में तैयार, ये पढ़ी लिखी है थोड़ा सा तो जान पहचान में मतलब वो तो ये रहेगा कि फ्यूचर में कभी ये मिलेगा तो फिर मैं इससे क्या करूँ। अगले हफ्ते तक आप एक बार आइएगा मेरे पास, अगर कोई ऐसा आदमी हुआ ऐसे मैं आपको पक्का कुछ नहीं बोलूँगा, अगर कोई आदमी ऐसा हुआ तो मैं आपको बता दूँगा। देश की संसद में 3 तलाक पर बहस चल रही है। हलाला से पीड़ित सबीना बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हलाला को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। अदालत में ये मामला चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मौलवी और मुफ्ती महिलाओं को नर्क में धकेले जा रहे हैं।